दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ डिज्नी फ्रोजन 2 के दो बेहतरीन टॉयज, जिसमें से पहला है हमारा ब्रूनी। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा स्पिट फायर, पता नहीं आग वाली फायर कुछ ऐसे ऐसे करता है। और दूसरा यहाँ पे है डिलक्स रोल एंड गो। यहाँ पे कुछ पेंटिंग से रिलेटेड कुछ है, रोल होगा क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल के लिए जल्दी से करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं कितने बेहतरीन है टॉयज। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहाँ पे करता रहता हूँ टॉयज एंड गेम्स एक्सपेरिमेंट के तरह के गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक और लास्ट जरूर देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले करेंगे इस पैकेट के ओपन और देखेंगे क्या चीज है। फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ डिज्नी फ्रोजन 2 डिलक्स रोल एंड गो। डिलक्स डिलक्स जैसी क्या चीज है भाई इसमें। और यहाँ पे कुछ लिखा है रोल पेपर टू चेंज इमेज, मतलब कुछ पेपर रोल करेंगे और इमेज चेंज हो जाएगी। पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे वो बच्चे कुछ कुछ कर भी रही है। भैया मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। फिलहाल इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो है 402 रुपये, और लिंक जो मैं आपको अमेजन का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जिनको भी खरीदना है वो जाके ले सकते हैं। ओके, ये इधर रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे मिला क्या क्या है जल्दी से एक बार वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ कलर्स दिख रहे होंगे, तो एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ यहाँ पे कलर्स मिले, इनमें से कुछ तो स्केच पेन है, और ये मेरे को मतलब काफ़ी यूनिक टाइप के लगे, क्योंकि एक तो इसमें ये फ्रोजन के आपको दिख रहा होगा एल्सा एला जो भी है वो पिक्चर बने हुए हैं, और ये ऊपर से मतलब इनको लैमिनेट भी किया गया जिससे कि ख़राब भी नहीं होंगे। और ये स्केच पेन थोड़े से यूनिक है, बड़े कूल से हैं, छोटे छोटे से, और थोड़ा सा मैं आपको चला के भी एक बार दिखा देता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, और मेरे को मतलब काफ़ी क्यूट भी लग रहे हैं ब्रांडिंग के साथ में। दूसरा यहाँ पर मुझे कुछ क्रियॉन्स मिले हुए हैं 3 कलर के, एक की तो मुंडी मतलब सर पता नहीं कहाँ चला गया। फिलहाल ये 3 ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और इसको तो चला के यही दिखाऊँ आपको पता ही चल गया होगा। और कुछ यहाँ पे स्टिकर्स मिले हुए हैं, तो ये आपको स्टिकर्स दिख रहे होंगे, बड़े कूल से लग रहे हैं भैया। डायरी वायरी कॉपी वॉपी कहीं भी चिपका सकते हो। बट मेन चीज़ क्या है दोस्तों, रोल एंड गो का यहाँ पे क्या मतलब है? तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक ये बोर्ड है, आप कह सकते हो पैड है, प्लास्टिक का, ये बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी और यहाँ पे फ्रोजन की ब्रांडिंग से और ज़्यादा बढ़िया बनाती हुई। और इसका नाम क्या है, इसका नाम याद नहीं आ रहा है, जिन्हें पता है वो लिखिए कमेंट बॉक्स में, मेरे को अच्छा लगता है। यहाँ पे आप ये स्केच पेन वगैरह कुछ इस तरह से लगा सकते हो। अब दोस्तों होगा क्या, आपको पीछे दिखाता हूँ। देखिए पीछे यहाँ पे एक बहुत मोटा रोल है, और उसमें जो है ना कुछ कुछ पिक्चर बनी हुई है, तो शायद से ये रोल होंगी। मैंने करके तो नहीं देखा कभी भी, और ना ही मैंने ऐसा कुछ अब तक यूट्यूब के ऊपर देखा, तो मुझे भी कुछ पता नहीं चल रहा है। बट मुझे लगता है ये पिक्चर जो है रोल होके आएगी, तो मैं इसे एक बार टेप को निकाल देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे इस पेपर को सेट कर दिया। कैसे किया जल्दी से आपको बताता हूँ। सिंपली आपको इसे निकाल देना है, और ये रोल दिख रहा है, यहाँ से पेपर को आगे की तरफ लगाना, और ये क्लिप है ये भी ऐसे देखिए आराम से निकल जाती है। इसे आपने यहाँ पे लॉक कर देना है, थोड़ा सा आगे निकाल देता हूँ, ये लॉक हो गया, और ऊपर वापस इसे आप कुछ इस तरह से लगा लेना। तो भैया यहाँ पे सिंपली क्या है कि एक तरह से यार ये एक कलरिंग स्टैंड कह सकते हो, बेस कह सकते हो, जिसके ऊपर आप आराम से रख के कलर कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ दोस्तों, तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि कहीं से हिल भी नहीं रहा है नीचे से, और आराम से देखिए यहाँ से आप घुमाइए पिक्चर कहीं से घूम रही है। आमतौर पर होता है कि ड्राइंग शीट हमको पूरी की पूरी घुमानी पड़ती है, और हमारा बैलेंस भी थोड़ा बहुत डगमगा जाता है। बट यहाँ पे देखिए एक हाथ से मैं इसे घुमा रहा हूँ, और कुछ भी कहीं भी बैलेंस जो है आपका ख़राब नहीं होगा, पिक्चर आपकी हिलेगी नहीं और आपको मज़ा आएगा। तो ये मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी यार, इससे पहले मैंने इस तरह के मतलब स्टैंड देखा नहीं था, बट काफ़ी कूल है यार, मज़ा आया मुझे इस किट के साथ में। आप देखिए सिंपली एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे आपने ये पिक्चर कर ली, तो उसके बाद आप क्या करिए, इससे कुछ इस तरह से खींचा आपने, और भैया यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे जाके मैं इसे क्या करता हूँ, अरे ज़्यादा जान लगा दी मैंने इसे हल्का सा पकड़ के, तो ये काफ़ी स्मूथ जो है यहाँ पे कट जाएगा, और ये पिक्चर जो है आपका अलग हो जाएगा। और देखिए दोस्तों बहुत मोटा रोल है, मुझे लगता है इसमें कम से कम 50 पिक्चर्स तो आराम से होगी। और दूसरी कुल चीज़ यहाँ पे आप ये कलर भी रख लीजिए, ये और ज़्यादा बढ़िया लगेंगे यहाँ पे, मतलब जैसे भी आप रखना चाहते हो उस तरह से। और यहाँ से निकाला और यहाँ से कलर करते चले गए, तो मज़ा आया कि नहीं आया इस किट में? मुझे तो मज़ा आया, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट था। तो अब सभी को इंतज़ार है एक्चुअली भैया ब्रूनी का, क्या कलर आग वाग जो भी है। तो जल्दी से अब ब्रूनी की करते हैं अनबॉक्सिंग।
तो दोस्तों ये है डिज्नी फ्रोजन 2 का ब्रूनी, बट यहाँ पर ये आता है हैसब्रो की तरफ से और एज यहाँ पे 3+ है दोस्तों, और यहाँ पे लिखा हुआ है फायर स्प्रिट स्नोई स्नैक। ओके, पीछे की तरफ आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले प्राइस बता देता हूँ। प्राइस आपको पता ही है, ज्यादा होनी है, 1500 रुपये। इतना क्यूट सा लग रहा है और कुछ गेस्चर का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, तो ट्राई करके देखेंगे जरूर। फिलहाल अब ज्यादा वेट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी मैं इसे बाहर निकालता हूँ। तो दोस्तों ये बाहर निकल के आ चुके हमारे प्यारे से ब्रूनी, और मैं बता नहीं सकता हूँ इस समय मुझे कितना मजा आ रहा है इसे हाथ में लेके। मतलब काफी क्यूट है, काफी प्यारा सा है, और एक बार मैं आपको बता दूं, ये ना मतलब हल्का सा नहीं भैया, यहाँ पे तो काफी मतलब भारी सा ही लग रहा है। वाओ वाओ वाओ, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया, मटेरियल एक नंबर का भैया हैसब्रो ने बनाया, तो आपको पता ही है कि मटेरियल में आपको क्वालिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। अब जल्दी से आपको एक चीज़ बता दूँ भैया, इसके पीछे ना एक बैटरी लगती है AA की, वो जो है हैसब्रो वाले ने पहले ही डाल के दी है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, और मुझे लगता है यहाँ पे दो मोड है, इधर भी और उधर भी, और यहाँ पे क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि भैया यहाँ से क्या निकलने वाला है, क्या होने वाला है। फिलहाल यहाँ पे सभी लोगों को इंतजार है कि भैया ये कलर वलर मतलब आग वाग छोड़ेगा या चिप्स विप्स खाएगा, क्या करेगा, तो वही सब देखना है। तो चलिए, वेट किस बात का है, देखते हैं किस तरह से यहाँ पे कलर वलर चेंज होते हैं। ये यहाँ छिपके बैठा है छिपकली का बच्चा, तुझे तंग करके दिखाऊं, छोड़ आग छोड़ आग, कहाँ गई तेरी नीली, अबे नीली आग। ओ ओ ओ भाई साहब, ओ दोस्तों ये आप देख रहे हो कलर, इसका मतलब ये अभी गुस्से में और ये आग छोड़ रहा है पिंक कलर की, तो इसे शांत करना पड़ेगा। तो भैया इसके जो आइस चिप्स हैं इसे फेंक के खिलाने पड़ेंगे। अबे क्या हो गया इसको, कैमरे को, ये हैं इसके आइस चिप्स, ले बेटा खा ले, अंदर चला गया, एक और खाएगा लग रहा है। बुझ गई क्या, एक ही में बुझ गई यार, मतलब इतना सही था क्या खेल। रुको एक मिनट बेटा, नीचे आ जाओ। ओके, अब ब्लू हो चुकी है दोस्तों, तो नाउ ही इज हैप्पी, ये अब खुश है, बट इसे हम फिर से नाराज करेंगे क्योंकि हमें मज़ा लेना है और ज़्यादा। तो ये लीजिए, ओ ओ माय गॉड, जल्दी से जल्दी खिलाओ भैया इसे एक और चिप्स। ओके, एक और खाएगा लगता है। अबे अबे अभी भी गुस्से में, अब लगता है वापस ये आ चुका है अपने मूड पे। तो दोस्तों यार बस यही था, इसमें मोटा मोटा फंक्शन कि इसको ऊपर करोगे तो ये मतलब गुस्सा हो जाता है, रेड हो जाता है, और इसे चिप्स खिला दोगे तो ये डाउन कर दोगे तो ये ब्लू हो जाता है, और बचे हुए चिप्स है ना वो इस स्लॉट से आपके वापस निकल जाते हैं। तो इसे वापस बंद कर दीजिए और इसे रख दीजिए। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, इसको मैं इधर करता हूँ, अगर स्टार बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्या होता है। अबे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, चिप्स खाने में कुछ नहीं हो रहा है। ओके ओके ओके, तो मतलब कहने का मतलब दोस्तों इस तरफ ऑन है और इस तरफ ऑफ है, बट अगर मैं इसे दबाता हूँ तो इस तरफ ऑफ वाले बटन में ये ब्लू जल रहा है। ओके, पिंक हो गया, ब्लू हो गया, पिंक हो गया। ओके, अगर मैं इस तरफ करता हूँ तो ब्लू हो गया, ये ब्लू का ब्लू ही है। ओके ओके ओके, इस तरफ दोस्तों ये हैप्पी है, स्टार वाले में ना थोड़ा थोड़ा नाराज़ हो जाता है, क्योंकि कहने का मतलब ये रेड वाली वो फायर करता है ना, ये वाली जो पिंक कलर की आपको दिख रही है इसे कहते हैं कि ये थोड़ा सा गुस्से में है। ओके भाई साहब, गुस्से में मत हो ये। तो यहाँ पे आपको फिर भी थोड़ा बहुत मज़ा तो आया होगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भैया इस ब्रूनी के साथ में। थोड़ा सा एक बार हम नाइट में थोड़ा अंधेरा करके इसका मज़ा लेते हैं, शायद आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। इस समय पूरा अंधेरा है, मतलब कह सकता हूँ मैं पिन ड्रॉप अंधेरा इस समय रूम में है। तो मैं इसे ऑन करता हूँ, ओ माय गॉड, वाओ वाओ वाओ, अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसे देख के। और अभी दोबारा दबाते हैं तो ये ब्लू वाली लाइट, ओहो हो, यहाँ पे यार मज़ा आया मुझे। और एक बार हाथ में पकड़ के देखता हूँ, देखिए सर, ओहो हो, यहाँ पे हाथ में तो ऐसा लग रहा आग ही लग गई है। टिन 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 टिन, ओ खाओगे क्या, रुको तुम्हारा, या अब थोड़ा सा और मज़ा आएगा। अबे बंद होगी लाइट इसकी, रेड वाले में ज़्यादा सही लग रहा है ना, ये देखिए। तो ये है हमारा प्यारा सा ब्रूनी,
चलिए अब करते हैं क्विक रिव्यू। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के दोनों आइटम्स, होप कि आपको मजा आया होगा और मेरी कोशिश हमेशा की तरह वही रहती है कि आपके लिए कुछ यूनिक लेके आऊं, तो आज दो यूनिक आइटम आपके लिए मैं लेकर आया था। तो यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक जरूर करके जाना और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट में पढ़ता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कहेंगे तो मैं शाउट आउट भी दे दूंगा 10-12-15 कमेंट्स को, तो प्लीज आज की वीडियो में जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं जल्दी किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।